Yes, I'm asking from you all who are watching my video. एक बार ये क्वेश्चन खुद से पूछना कि आप कौन, क्या जवाब मिलता है. बहुत ही कम लोग होंगे जिनको एक्चुअल में पता है कि वो कौन है. क्यों नहीं पता? क्योंकि हम सब अपने आप को वो समझते हैं जो हमें दुनिया ने बनाया, वो नहीं जो हम एक्चुअल में हैं. क्यों हम दूसरों की देखा देखी में ही सब काम करते हैं? क्यों हम अपनी पहचान खो देते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम किसी के जैसा बनने की कोशिश करते हैं. हम हमेशा खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है. आप खुद क्या हो वो किसी को नहीं पता. तो समझने वाली बात क्या है यहाँ? समझने वाली बात ये है कि आप खुद में ही यूनिक हो. सबकी अलग पर्सनैलिटी है, सबकी अलग पहचान है. फॉर एग्जाम्पल, अब एक शेर है, एक चिड़िया है. शेर के पास क्या पावर है कि वो जंगल का राजा है, सब उसे डरते हैं. और चिड़िया की क्या ताकत है कि उसके पास उड़ने की पावर है. अब अगर शेर सोचे कि मुझसे सब डरते हैं, मैं जंगल का राजा हूँ, वो तो ठीक है, बट मुझे चिड़िया के जैसे उड़ना है, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है. बट शेर अपनी पावर को भूल कर इसी चीज में लगा रहे कि मुझे चिड़िया के जैसे उड़ना है, तो ना तो ये चीज पॉसिबल है और एक और लॉस होगा कि वो अपनी पहचान भी खो देगा. यही काम हम सब करते हैं. हम सबको अपनी ताकत का कोई अंदाजा नहीं है कि हमारे अंदर क्या चीज है. बस हमेशा हमें दूसरों के जैसा बनना होता है. जो है हम वो कभी भी नहीं रह सकते. आप जो हो बस अच्छे हो. लोग खुद को तो कम समझते हैं, दूसरों को ज्यादा समझते हैं. अब आप चाहे आप दूसरों से कितने भी बेटर हो, बट हमें हमेशा सामने वाला ही अच्छा लगता है. नहीं, मुझ में तो कमियां हैं, वो बेटर है, मुझे उसके जैसा बनना है. तो हमें हमेशा क्या समझना चाहिए, ना तो हम किसी से कम है, ना ही हम किसी से ज्यादा है. कुछ चीजों में हम कम होते हैं, किस चीजों में हम ज्यादा होते हैं. तो हमें कभी भी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमारा घर कैसा है, हम कौन सी गाड़ी यूज करते हैं, किस टाइप के कपड़े पहनते हैं. हमारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप से कितने खुश हो, अपने आप से कितने सेटिस्फाइड हो. तो हम हैं. समझने वाली बात ये, हमें दूसरों के जैसा बनने की जरूरत नहीं है या फिर उनके साथ पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है. हम अपना एक रास्ता बना सकते हैं. तो हम ऐसा क्या करें जिसमें हम जो है वही रह सके? तो आज मैं आपको 5 ऐसी टिप्स देने वाली जिसको फॉलो करके आप जो हो आप वही रह सकते हैं. सो द फर्स्ट टिप इज फॉलो योर ओन स्टाइल. सबसे ज्यादा चीज मैक्सिमम लोग जो करते हैं वो ये कि दूसरों का स्टाइल कॉपी करते हैं कि मुझे इसके जैसा बनना है, उसी के जैसा बनने की रीस में उन्हीं का स्टाइल कॉपी करना शुरू कर देते हैं. ये तब होता है जब हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते. तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ. अपने आप को एक्सेप्ट करो. जस्ट बी योर सेल्फ. सेकेंड पॉइंट इज स्टार्ट एक्सेप्टिंग फेलियर्स. फेल हर कोई होता है, क्योंकि कोई भी आप काम शुरू करोगे एकदम से उसमें सक्सेस नहीं मिली. फेलियर तो आता ही है, बट अपनी ईगो के कारण कुछ लोग अपने फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि एक बहुत ही गलत चीज है. क्योंकि अगर आप फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते. तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग फेलियर्स एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर फेलियर्स. थर्ड पॉइंट इज फाइंड टाइम टू डिस्कवर योरसेल्फ. अब तक जितना हमें दूसरों को कॉपी करना था वो कर लिया. अब टाइम निकालना है खुद को डिस्कवर करने के लिए. मीन्स आप क्या हो, अपनी पहचान आपको करनी. क्योंकि हमेशा हमें ये नहीं पता होना चाहिए दूसरा कैसा है, हमें ये पता होना चाहिए हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं. तो थोड़ा सा खुद को टाइम देना स्टार्ट करो कि आप कौन हो. फोर्थ पॉइंट इज स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर स्ट्रेंथ. हम दूसरों को कॉपी करने के चक्कर में अपने आप की पहचान नहीं कर पाते.
लेकिन एक बार अगर हमने अपनी पहचान करनी शुरू कर दी तो हमें खुद में ही बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स दिख जाएंगे। हमें हमेशा दूसरों में अच्छाई दिखाई देती है, दूसरों की स्ट्रेंथ दिखाई देती है, बट अगर एक बार हमने खुद की पहचान करनी शुरू कर दी तो जो आपको अपने अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स दिखने लगेंगे वो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तो आप दूसरों पर ध्यान ना देकर अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान देना शुरू कीजिए। फिफ्थ पॉइंट इज स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ यही है कि हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। हम चाहे कोई अच्छाई करे या कोई बुरा काम करे, हम अपने आप को कभी एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक बार अगर हमने खुद को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो हम अपने आप की पहचान करने के रास्ते पर चल रहे होंगे। तो स्टार्ट एक्सेप्टिंग योरसेल्फ एंड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स ऑल्सो। मीन्स अगर आप कोई भी अच्छा काम भी करते हो उसको भी एक्सेप्ट करो, उसके लिए भी खुद को अप्रिशिएट करो कि हाँ मैंने अच्छा काम किया है और आगे भी मैं अच्छा काम करता रहूंगा या करता या करती रहूंगी। तो आपके पास दो रास्ते, या तो जहां दुनिया भाग रही है उनके पीछे भाग लो, फिर आपके साथ भी वही होगा जो इनके साथ हो रहा है, या फिर अपना एक नया रास्ता बनाओ। अपना एक रास्ता बनाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो फिर वो होगा जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो दुनिया चाहती है। तो खुद को वैल्यू दो, खुद को समझो कि आप भी कुछ हो, कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। थैंक यू सो मच।